हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 का प्रैक्टिस सेट 4.5 देखेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर शुड बी एडेड टू 12, 16 एंड 21 सो दैट रिजल्टेड नंबर्स आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। क्वेश्चन क्या दिया है अच्छे से समझ लो। कौन सा ऐसा नंबर है वो अगर हम 12, 16 और 21 में ऐड कर लेते हैं तब जो नंबर मिलेंगे ना वो नंबर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में मिलेंगे। तो देखो, पहले हम एक्स नंबर है, एक्स नंबर अगर हम तीनों नंबर में ऐड कर लेते हैं तो वो नंबर हमें कंटिन्यू प्रोपोर्शन में मिलेंगे, ऐसा मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द नंबर एक्स टू बी एडेड टू ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। एक्स ये नंबर अगर हमने सब में ऐड कर लिया तो हमें कौन से नंबर मिलेंगे, देन द नंबर्स 12 प्लस एक्स, 16 प्लस एक्स एंड 21 प्लस एक्स आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। जो नंबर हमें निकालना है वो हमने x मान लिया और वो सभी में ऐड कर लिया तो हमें 12 प्लस एक्स, 16 प्लस एक्स एंड 21 प्लस एक्स ये नंबर मिलेंगे। अभी हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो देखो a बाय बी इक्वल टू बी बाय सी ऐसा राइट कर लेते हैं रेशो में। ओके, a बाय बी इक्वल टू बी बाय सी। बी ए क्या है, मिडल का नंबर है, तीन नंबर दिए है ना उसमें से बी नंबर जो है वो मिडल का नंबर है, ए फर्स्ट है और सी जो है वो लास्ट वाला नंबर है। तो पहला हमें मिला है 12 प्लस एक्स, दूसरा है 16 प्लस एक्स, इनको रेशो में लिखा इक्वल टू वही सेकेंड नंबर, मीन्स यहाँ पे बी लिखना है ना, बी मीन्स सेकेंड वाला नंबर 16 प्लस एक्स और 21 प्लस एक्स, उनको रेशो में हमने राइट कर लिया। और ये किसके इक्वल रहता है, के इक्वल रहता है, के इक्वल टू। अभी देखो ये जो रेशो में दिए हैं इनको हम सब्सट्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की सब्सट्रैक्शन लेंगे तो हमें क्या करना होगा, a माइनस बी बाय बी माइनस सी करना होगा। हम क्या कर रहे हैं, जो हमने रेशो में नंबर्स लिए हैं उनकी सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो a माइनस बी बाय बी माइनस सी, ए माइनस बी बाय बी माइनस सी, वही हमने इस पे अप्लाई कर लिया है। देखो दोनों के न्यूमरेटर की सब्सट्रैक्शन, दोनों के डिनोमिनेटर की सब्सट्रैक्शन ली। ओके, सब्सट्रैक्शन लेने के बाद देखो हम ब्रैकेट रिमूव कर लेंगे। ब्रैकेट रिमूव करते टाइम देखो ये 12 प्लस एक्स वो तो एज इट इज आएगा, ये नंबर प्लस में है इसके बाहर माइनस साइन है तो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 16 आएगा, ये माइनस ये प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस आएगा और एक्स आएगा। ओके, नीचे भी सेम, ये 16 प्लस एक्स ये तो एज इट इज आएंगे, ये माइनस और इसका प्लस साइन जो है 21 प्लस है ना तो 21 का प्लस साइन, माइनस प्लस माइनस होता है और 21। ओके, माइनस प्लस होता है माइनस, एक्स एज इट इज। अभी देखो यहाँ पे ये प्लस एक्स के साथ माइनस एक्स कट हो गया, नीचे भी इस प्लस एक्स के साथ ये माइनस एक्स कट हो गया, और के इक्वल टू ये 12 माइनस 16 और नीचे 16 माइनस 21 ये नंबर मिलेंगे। 12 माइनस 16 माइनस 4 आता है, 16 माइनस 21 माइनस 5 आता है, 21 में से 16 में से 21 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, हम 21 में से 16 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 5 मिल गया और दोनों में बड़ा ये है इसका साइन आंसर को जाएगा। यहाँ पे भी सेम, 12 में से 16 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, 16 में से हम 12 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 4 मिल गया, दोनों में बड़ा 16 है उसका साइन माइनस है, आंसर को माइनस साइन जाएगा। अभी देखो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 5 ऐसा भी हम इसको रीड कर लेते हैं, दोनों है दोनों माइनस साइन है तो इसको हम 4 बाय 5 ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को अगर हमने माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये माइनस 4 इसका इसके मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 के साथ हो गई तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम साइन नंबर की मल्टीप्लिकेशन का आंसर ऑलवेज प्लस आता है तो 4 1 सा 4 आएगा। यहाँ पे भी अगर हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों सेम साइन नंबर है उनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर ऑलवेज प्लस आता है तो 5 1 सा 5 4 बाय 5 आएगा। तो वही मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, मैं के वैल्यू कितनी मिल गई 4 बाय 5। तो देखो के की वैल्यू 4 बाय 5 मिल गई है तो ये 4 बाय 5 वैल्यू इसके और इसके इन दोनों के इक्वल है, मीन्स 4 बाय 5 इक्वल टू दिस वन इक्वल टू दिस वन, आया समझ में। 4 बाय 5 और इसको रेशो में लेकर x वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप 4 बाय 5 को और इसको रेशो में लेकर x वैल्यू निकाल सकते हो, इन दोनों में किसी को भी एक को रेशो में लेकर उस वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल सकते हो। इसको 4 बाय 5 के साथ रेशो में लेकर एस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 12 प्लस एक्स बाय 16 प्लस एक्स इक्वल टू 4 बाय 5 लिया,
ओके अभी हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस एक्स ओके इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस एक्स। अभी 5 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, 5 ट्वेल्व आर 60 प्लस साइन 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 5x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 16 64 प्लस साइन 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स 4x। ये 4x जो है उसको हम इस साइड में लेकर आते हैं, 60 जो है उसको हम इस साइड में भेज देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 5x माइनस 4x एंड 64 माइनस 60 मिलेंगे। 5x माइनस 4x इक्वल टू 64 माइनस 60 और x इक्वल टू 4x। 4 कैसे आ गया देखो, 5x में से 4x सब्सट्रैक्ट हो गया, x रह गया और 64 में से 6 सब्सट्रैक्ट हो गया, 4 रह गया, तो x वैल्यू क्या मिल गई 4। तो x की वैल्यू 12 प्लस एक्स में x की वैल्यू अगर हम 4 पुट कर लेते हैं तो हमें फर्स्ट नंबर 16 और 16 मिलेगा। 16 प्लस एक्स में x की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो 16 प्लस 4 20 मिलेगा और 21 प्लस एक्स में हम x की वैल्यू 4 लेते हैं तो 21 प्लस 4 हमें 25, मीन्स 16, 20 और 25 ये तीनों नंबर ऐसे है वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है। हमें आंसर सिर्फ यहाँ तक ही निकालना है, ऐसा कौन सा नंबर है वो अगर हम दिए गए नंबर में ऐड कर लेते हैं तो वो नंबर हमें कंटिन्यू प्रोपोर्शन में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इफ माइनस एक्स इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 23 माइनस एक्स एंड 19 माइनस एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन दिया है, ये दोनों नंबर भी दिए हैं एंड हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेन नंबर दिया है और ये दोनों भी नंबर दिए, मीन्स ये तीनों क्या है कंटिन्यू प्रोपोर्शन में नंबर है ओके और इन दोनों का मिडल का नंबर ये है क्योंकि जो मिडल का रहता है वो मीन प्रोपोर्शन रहता है ओके। तो ये मेन प्रोपोर्शन बोला, ये मिडल का नंबर है। तो देखो 28 माइनस एक्स इज द मेन प्रोपोर्शन ऑफ 23 माइनस एक्स एंड 19 माइनस एक्स। ये मेन प्रोपोर्शन नंबर है, ये मिडल का नंबर है, इसको हमने बी कंसिडर किया तो इसको मैं ए कंसिडर करती हूँ, इसको सी कंसिडर करती हूँ, ये मिडल का जो है उसको बी कंसिडर करती हूँ। ये बी है हमारा, ये ए है और ये सी है ओके। तो जो तीन नंबर अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में दिए हैं तो उनको हम कैसे राइट कर लेते हैं, ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी ऐसा राइट कर लेते हैं ओके। अगर वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो, और ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में ही है क्योंकि कंटिन्यू प्रोपोर्शन में जो मिडल का नंबर रहता है मीन प्रोपोर्शन। तो देखो दिए गए तीन नंबर जो है 20 माइनस एक्स, 23 माइनस एक्स और 19 माइनस एक्स, तो इनको हमने इस फॉर्म में राइट कर लिया, ये ए ओके a बाय बी इक्वल टू बी बाय सी फॉर्म में राइट कर लिया और वो रेशियो किसके इक्वल रहता है, k के इक्वल रहता है, इसको इक्वल टू k हमने राइट कर लिया। ये जो रेशियो रहता है इस रेशियो को हम न्यूमरेटर की सब्सट्रैक्शन डिनोमेटर की सब्सट्रैक्शन में भी राइट कर सकते हैं क्योंकि ये किसके इक्वल रहता है, a बाय बी इक्वल टू बी बाय सी, ये इक्वल रहता है a माइनस बी बाय बी माइनस सी, ये इसके इक्वल रहता है। रेशियो फॉर्म में राइट करने के बाद हम दोनों रेशियो के न्यूमरेटर की सब्सट्रैक्शन, क्योंकि ये जो है ये इसके इक्वल है इसलिए हम दोनों रेशियो के न्यूमरेटर की सब्सट्रैक्शन दोनों रेशियो के डिनोमिनेटर के सब्सट्रैक्शन में राइट कर लिया। अभी ब्रैकेट रिमूव करेंगे। अभी देखो इनको रेशियो में राइट करने के बाद ये जो रेशियो रहता है ना ये इसके इक्वल रहता है। रेशो की न्यूमरेटर की सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं और रेशो की डिनोमिनेटर की सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, तो इनको हमने उनकी न्यूमरेटर की सब्सट्रैक्शन बाय डिनोमिनेटर की सब्सट्रैक्शन फॉर्म में राइट कर लिया। अभी यहाँ पे हम ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं। ब्रैकेट रिमूव करते टाइम ये जो सेकेंड नंबर है इसके साइन चेंज होगी, इस नंबर में 28 ये माइनस एक्स जो है इनके साइन चेंज होंगे। कैसे देखो, ये 23 माइनस एक तो एज इट इज आएगा, ये माइनस है इसका साइन प्लस है, साइन नहीं तो प्लस रहता है तो माइनस प्लस होता है माइनस, 28 आएगा, माइनस माइनस होता है प्लस तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा और एक्स आएगा। नीचे भी सेम 28 माइनस एक्स एज इट इज, ये माइनस और 19 को साइन है, माइनस प्लस माइनस होता है 19 आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और ये एक्स आएगा। अभी देखो इस माइनस एक्स के साथ प्लस एक्स, इस माइनस एक्स के साथ ये प्लस एक्स कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेंगे 23 माइनस 28, 28 माइनस 19
ये आएंगे इक्वल टू माइनस फाइव बाई नाइन आ गए। कैसे माइनस फाइव बाई नाइन आ गए? 23 में से 28 सब्सट्रैक्ट नहीं होते, हम 28 में से 23 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 5 आंसर आएगा। और इन दोनों में बड़ा ये है, इसका साइन माइनस आंसर को जाएगा। और 28 में से 19 सब्सट्रैक्ट हो गए, 9 रह गए। देयरफॉर के इक्वल टू माइनस फाइव बाय नाइन। के की वैल्यू क्या मिल गई हमें? माइनस फाइव बाय नाइन वैल्यू मिल गई। अभी ये माइनस फाइव बाय नाइन, तो इस माइनस फाइव बाय नाइन को दिए गए रेशो के साथ कंपेयर करके वेरिएबल की वैल्यू एक्स वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये पहला रेशो, ये दूसरा रेशो, इन दोनों में कौन सा भी एक रेशो को माइनस फाइव बाय नाइन के साथ कंपेयर करके वेरिएबल वैल्यू आप निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे 23 माइनस एक्स बाय 28 माइनस एक्स, ये जो रेशो है इसको माइनस फाइव बाय नाइन के साथ कंपेयर करके एक्स वेरिएबल वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो देखो, देयरफॉर 23 माइनस एक्स बाय 28 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाय नाइन। अभी हम इस स्टेप में क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 9 मल्टीप्लाई बाय 23 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस एक्स, यहाँ पे राइट कर लिया। माइनस साइन 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 9x, ओके, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 28, 140। और ये माइनस साइन इसको जाएगा, ये माइनस माइनस होगा प्लस, तो प्लस साइन आएगा। और 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 5x यहाँ पे आ गया, ओके। अभी देखो, ये 207 यहाँ पे रहेगा, माइनस 140 को हम इस साइड में लेकर आते हैं और माइनस 9x को हम इस साइड में भेज देते हैं। 140 यहाँ पे माइनस है, इस साइड में आ गया तो प्लस हो जाएगा। माइनस 9x माइनस है, इस साइड में गया तो वो प्लस हो जाएगा। तो 207 प्लस 140 इक्वल टू 5x प्लस 9x, ये स्टेप हमें मिल गई। अभी 207 प्लस 140 347 हो गए, इक्वल टू 5x प्लस 9x 14x। तो 347 बाय 14 आ जाएंगे। कैसे? देखो, x वैल्यू निकालनी है, 14 को हमें साइड में शिफ्ट करना होगा। तो 347 बाय 14 ये स्टेप मिल गई, इक्वल टू x। फोर एक्स इक्वल टू 347 बाय 14, ये मिल गई हमें x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 है, थ्री नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हुज मीन प्रोपोर्शनल इज 12 एंड द सम ऑफ द रिमेनिंग इज 26, फाइंड द नंबर्स। तो देखो, तीन नंबर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, उनमें से मीन प्रोपोर्शन जो है वो 12 है और रिमेनिंग टू नंबर की सम 26 है, तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, वो तीन नंबर जो है वो लेट ए बी एंड सी बी द थ्री नंबर्स इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि ए बी सी ये तीनों नंबर क्या है? कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है। ये ए बी सी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, इनका मिडल का जो नंबर है बी वो रहता है मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शन मीन्स बी इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 12, क्योंकि बी मिडल का है, तो b इक्वल टू हमारा 12, क्योंकि मिडल का नंबर मीन प्रोपोर्शन दिया है वो है 12। एंड a प्लस सी इक्वल टू 26, a पहला है, c लास्ट का है, और अदर टू b को छोड़कर अदर टू नंबर की सम मीन्स a प्लस सी कितना है? 26 दिया है हमें। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अभी देखो, बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी रहता है, जब तीन नंबर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में रहते हैं तब उनको रेशो में हम a बाय बी इक्वल टू बी बाय सी ऐसा राइट करते हैं। a बाय बी इक्वल टू बी बाय सी ऐसा राइट करते हैं। तो देखो, अगर इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ली तो ए सी इक्वल टू बी स्क्वेयर मिल जाएगा, क्योंकि b मल्टीप्लाई बी हो जाएगा, बी स्क्वेयर मिलेगा, तो बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी ऐसा मिलेगा, करेक्ट। अभी देखो, बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी है, b की वैल्यू हमें पता है, उसका स्क्वेयर लिया इक्वल टू ए सी आ जाएगा, ओके, क्योंकि ए सी ही है उसके इक्वल। देयरफॉर ए सी इक्वल टू 144, ए सी इक्वल टू क्या मिलेगा? 12 का स्क्वेयर 144, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। देयरफॉर अभी ए सी इक्वल टू 144 है, हमें a की वैल्यू निकालनी है, c इसके साथ मल्टीप्लाई है, इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो 144 बाय c ऐसा मिलेगा, ओके। ए प्लस सी इक्वल टू 26 है और a इक्वल टू 144 बाय c, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। सब्स्टिट्यूटिंग
ए इक्वल टू 144 बाय सी फ्रॉम टू इन ए प्लस सी इक्वल टू 26 इन वन। ए इक्वल टू 144 ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर वन में जो ए है वहाँ पे पुट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, देखो ए प्लस सी इक्वल 26 था ना, तो ए की जगह हमने ये वैल्यू 144 बाय 6 ये पुट कर ली। देयर फोर दोनों साइड को सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 144 बाय सी मल्टीप्लाई बाय सी मिलेगा। इसको सी से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी सी से मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वल साइन, और 26 को भी सी से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय सी। न्यूमरेटर में भी सी है, डिनोमेटर में भी सी है, वो कट हो गए और सी मल्टीप्लाई बाय सी सी स्क्वेयर हो जाएगा। 26 मल्टीप्लाई बाय सी 26 सी हो जाएगा। तो हमें 144 प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू 26 सी ये स्टेप मिलेगी। वेरिएबल की स्क्वेयर टर्म जो है वो पहले लिखी, उसके बाद में वेरिएबल वन पावर टर्म है वो टर्म लिखी, और सबसे लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिखी। इस फॉर्म में हमने राइट कर लिया। ये क्यों कौन सा फॉर्म हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म हो गया। ओके अभी देखो इस फॉर्म में राइट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये फॉर्म जो होता है इसमें हम फैक्टर निकालते हैं, तब हमें वो अदर टू वैल्यू मिल जाएगी इसके फैक्टर निकालने के बाद। तो फैक्टर निकालते टाइम हम क्या करते हैं, टू पावर टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो है उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं, मीन्स वन रहता है, वन मल्टीप्लाई बाय 144 करते हैं, 144 मिलता है। तो 144 के ऐसे फैक्टर करेंगे उनकी एडिशन आनी चाहिए माइनस 26। तो देखो 144 के हमने ऐसे फैक्टर किए 18 और 8, ये दोनों फैक्टर लिए हमने, इनकी एडिशन आती है 26। उसका साइन चाहिए माइनस, 18 को माइनस साइन दे देते हैं क्योंकि बड़ा नंबर का साइन जाता है आंसर को, इसलिए 18 को माइनस साइन दिया। पर देखो यहाँ पे मैंने 8 को भी माइनस साइन दिया है। क्यों 8 को माइनस साइन दिया, क्योंकि अगर ये माइनस 18 ये प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, सब्स्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, 18 में से 8 सब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमें 10 ही मिलेगा। तो यहाँ पे 26 मिलने के लिए हम इसको भी माइनस साइन दे देते हैं, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इन दोनों का माइनस साइन आने के बाद ये माइनस और ये माइनस दोनों का प्लस हो जाएगा, मीन्स 18 प्लस 8 26 हो जाएंगे, इसीलिए हमने इसको भी माइनस साइन दे दिया। आया समझ में? तो हमें माइनस 18 और माइनस 8 ये दोनों फैक्टर मिले हैं और इनकी मल्टीप्लिकेशन आती है 144। ओके तो देखो हमने हम क्या करेंगे, अभी माइनस 26 की जगह माइनस 18 और माइनस 8 ये फैक्टर लिखेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज, ये टू पावर टर्म जो है वो भी एज इट इज इक्वल टू जीरो लेंगे। ओके अभी इन दोनों को और इन दोनों को ऑब्जर्व कर लो, इन दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, सी कॉमन निकाल लिया, इसमें से सी का निकाल लिया, एक सी रह गया, यहाँ पे सी स्क्वायर में सी मल्टीप्लाई बाय सी रहता है, एक सी निकाल लिया तो एक अंदर जाएगा। ओके तो सी आएगा यहाँ पे माइनस साइन और ये 18 आएगा, सी बाहर निकाला है तो यहाँ पे सिर्फ 18 ही रहेगा, ब्रैकेट कंप्लीट। माइनस साइन लिया, इन दोनों में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, 8 कॉमन निकाल लिया, 144 को भी 8 से डिवाइड होता है इसलिए ये दोनों में 8 कॉमन है। तो 8 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे सी रहेगा, सी लिखा और माइनस प्लस होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। और 144 को अगर हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं, देखो 8 वन ज़ा 8, 14 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गए, 6 रह गए, 6 एंड 4 64 हो गए, 8 8 ज़ार 64, तो 18 आ गया करेक्ट। तो यहाँ पे माइनस साइन देकर हम 18 यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल टू जीरो लिखेंगे, बराबर। यहाँ पे सी माइनस 18 सी माइनस 18 दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म है, उसको वन टाइम लिखेंगे और सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, सी ये माइनस 8 आएगा इक्वल टू जीरो। ओके अभी देखो ये सी माइनस 18 इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे हमें टू सी वैल्यू मिलेगी। देखो सी इक्वल टू में इसको कन्वर्ट करना है तो इसको ये जो 18 है इसको हम इस साइड में भेज देते हैं, ये 18 यहाँ पे माइनस है इस साइड में प्लस हो जाएगा तो सी इक्वल टू 18 मिलेगा। ओके और ये यहाँ पे भी सेम सी, इस सी की वैल्यू निकालनी है, 8 को हम इस साइड में भेज देंगे, 8 यहाँ पे माइनस है तो साइड में प्लस हो जाएगा तो सी इक्वल टू 18 मिलेगा। मीन्स हमें सी की दो वैल्यू मिल गई, सी इक्वल टू 18 और सी इक्वल टू 8, बराबर। ए प्लस सी इक्वल 26, इसमें अगर हम सी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमें ए वैल्यू इजीली मिल जाती है। तो सी वैल्यू हमारे पास दो है तो हमें दो ए वैल्यू मिलेगी। ओके देखो ए प्लस 18 इक्वल टू 26,
सी की वैल्यू हमने 18 पुट कर ली, तो ए इक्वल टू 26 माइनस 18, 18 को हम इस साइड में भेज देते हैं तो 26 माइनस 18 मिलेगा। फोर ए इक्वल टू 8, 26 माइनस 18 सब्सट्रैक्ट हो गए, 8 रह गए। और a प्लस सी इक्वल टू 26, यही फॉर्मूले में अगर हम c वैल्यू ये जो 8 आम मिली है वो पुट कर लेते हैं तो a इक्वल टू ये 26 इस साइड में माइनस 8 हो जाएगा, ये 8 इस साइड में माइनस 8 हो जाएगा, तो 26 माइनस 8 मिलेगा। तो a इक्वल टू 18, 26 माइनस 8 सब्सट्रैक्ट हो गए, 18 मिल गए। तो a की दो वैल्यू 18 एंड 8 मिल गई है और c की भी दो वैल्यू 18 और 8 हमें मिल गई है। नंबर्स आर 8, 12 एंड 18 और 18, 12 एंड 8। हमें रिक्वायर्ड नंबर 18 और 8 ये दोनों है, तो हमें हम 18, 12, 8 और 8, 12, 18 ऐसा भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a प्लस बी प्लस सी, सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, देन शो दैट a, b, c आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ये दिया है और हमें शो करना है ए बी सी ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, तो जो नंबर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में रहते हैं उसको हम ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे गिवन जो दिया है उसको हम पहले लिखेंगे, राइट करने के बाद इन दोनों ब्रैकेट में जो ए बी सी दिए है उनको ऑब्जर्व करो। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ए और सी टर्म प्लस में ही है, यहाँ पे भी ए सी टर्म प्लस में ही है, यहाँ पे बी प्लस में है, यहाँ पे भी माइनस में है, तो दोनों ब्रैकेट में बी डिफरेंट साइन से शो किया है उसको हम उसी ब्रैकेट में सबसे लास्ट में लिखेंगे, जैसे कि ए प्लस सी प्लस बी और ए प्लस सी माइनस बी, आया समझ में, उसी ब्रैकेट में आएगा पर लास्ट में आएगा। ऐसे बी को बाद में लिखा, ब्रैकेट कंप्लीट हो गए दोनों भी, ये राइट हैंड साइड एज इट इज। अभी हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन इनकी, पहले ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस सी हो जाएगा, तो ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस सी मैंने राइट कर लिया प्लस साइन, बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस सी हो जाएगा तो बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस सी। ओके, इन दोनों की इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो गई, अभी हम दोनों की माइनस बी के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अभी ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाय बी करना है, इसको माइनस साइन है, ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी, तो यहाँ पे ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी लिया, उसके बाद प्लस और बी मल्टी, ये प्लस बी है, इस प्लस बी की मल्टीप्लीकेशन माइनस बी के साथ, प्लस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी। ओके, और इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये जो राइट साइड है ये एज इट इज मैंने यहाँ पे ले ली। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों सेम टर्म है, जैसे कि ये x है और ये भी x है, x मल्टीप्लाई बाय x, हम जैसे एक x स्क्वेयर लिखते हैं वैसे ही a प्लस सी मल्टीप्लाई बाय a प्लस सी क्या हो जाएगा, a प्लस सी स्क्वेयर हो जाएगा। अभी प्लस साइन, ये b मल्टीप्लाई बाय a प्लस सी, ये टर्म एज इट इज। अभी उसके बाद में देखो भी हमें करनी है इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन में देखो b मल्टीप्लाई बाय a प्लस सी करना है, प्लस सी को है प्लस साइन, b को है माइनस साइन, प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन लिया मैंने और b मल्टीप्लाई बाय a प्लस सी यहाँ पे शो कर दिया, दिखाई दिया। ओके, अब अभी यहाँ पे हम इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे भी ये प्लस साइन है, ये भी माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, बी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वेयर हो गया इक्वल टू राइट साइड एज इट इज। अभी देखो ये b मल्टीप्लाई बाय a प्लस सी और b मल्टीप्लाई बाय a प्लस सी, ये b मल्टीप्लाई बाय a प्लस सी माइनस साइन है, ये b मल्टीप्लाई बाय a प्लस सी ये प्लस साइन है, इस प्लस b मल्टीप्लाई बाय a प्लस सी के साथ ये माइनस b मल्टीप्लाई बाय a प्लस सी कट हो गया। ओके, अभी क्या मिलेगा, a प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस बी स्क्वेयर, ये टर्म लेफ्ट साइड में और राइट साइड एज इट इज। ये फॉर्मूला ऑब्जर्व करो, जब हम फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म ब्रैकेट स्क्वेयर ऐसा लेते हैं तब वो इसमें एक्सपांड हो जाता है, तो ए प्लस सी ब्रैकेट स्क्वेयर का क्या हो जाता है, ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर, मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर। यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म सी है, इसको इस एक्सपांशन फॉर्म में लिखना है, तो वो फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर इस फॉर्म में
आ जाता है ए स्क्वेयर, ओके, और ये माइनस बी स्क्वेयर एज इट इज हमने लिया और राइट साइड एज इट इज, ओके। अभी इस ए स्क्वेयर के साथ ये ए स्क्वेयर कट, इस सी स्क्वेयर के साथ ये सी स्क्वेयर कट हो गया। अभी लेफ्ट साइड में 2ac माइनस बी स्क्वेयर रह गया इक्वल टू राइट साइड में बी स्क्वेयर रहेगा, उसको लिखा, ओके। अभी इस बी स्क्वेयर जो है उसको हम इस साइड में भेज देते हैं, ये बी स्क्वेयर यहाँ पे माइनस है उस साइड में प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये स्टेप हमें मिलेगी और लेफ्ट साइड में 2ac ही है। देयरफॉर 2ac इक्वल टू 2b स्क्वेयर, बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2b स्क्वेयर है ना, तो वो उसको हम 2b स्क्वेयर ऐसा लिखेंगे। दोनों साइड में 2 सेम है वो कट हो गए, ac इक्वल टू बी स्क्वेयर मिल गया। तीन वैल्यू अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, a b and c आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। अगर दिए गए तीन नंबर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो वो ac इक्वल टू बी स्क्वेयर में भी रहते हैं, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे a b c आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ a by b इक्वल टू b by c एंड a b c ग्रेटर देन 0, देन शो दैट फर्स्ट a + b + c सेकेंड ब्रैकेट b - c इक्वल टू ab - c स्क्वेयर, ये हमें शो करना है, ओके। दिया क्या है, a by b इक्वल टू b by c मीन्स a b c कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, आया समझ में। तो a by b इक्वल टू b by c ऐसा पहले हम लिखेंगे, देयरफॉर बी स्क्वेयर इक्वल टू सी ए, ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो वो इसके इक्वल ही रहता है, तो इसको बी स्क्वेयर इक्वल टू सी ए ऐसा हमने राइट कर लिया। अभी देखो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड a + b + c इन सेकंड ब्रैकेट b - c हमने राइट कर लिया। अभी हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लीकेशन, इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन सी के साथ। पहले हम इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन बी के साथ करेंगे, उसके बाद इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन सी के साथ हो जाएगी। तो पहले देखो a multiply by b ab, ओके, प्लस साइन b multiply by b b² आ गया, c multiply by b bc, उसको ca और bc ऐसे भी हम लिख सकते हैं, पर अल्फाबेट में भी पहले आता है, मैंने बी को राइट कर लिया पहले, नो प्रॉब्लम, ओके। अभी इन तीनों की बी के साथ मल्टीप्लीकेशन हो गई यहाँ तक, अभी इन तीनों की सी के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, पर ये तीनों भी प्लस है, ये सी माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ओके, इसलिए तीन ही जगह माइनस साइन आ गया, ओके। अभी a multiply by c ac, b multiply by c bc, c multiply by c c² आ गया। यहाँ पे इस प्लस बीसी के साथ माइनस बीसी कट हो गया, जो टर्म रिमेनिंग है उनको हमने नेक्स्ट स्टेप में राइट कर लिया, ab + b² -ac - sin c², स्क्वेयर की वैल्यू सी ए ये पुट कर लेते हैं। यहाँ पे बी स्क्वेयर है उसकी वैल्यू हमने सी ए ले ली, ये प्लस सी ए के साथ माइनस सी ए, सी ए और ए सी इक्वल ही रहता है, ए है सी है, यहाँ पे भी ए है सी है, दोनों भी सेम है पर साइन डिफरेंट है, वो कट हो जाते हैं, वो दोनों कट हो गए, तो क्या रह गया, ab - c², ओके। तो देखो ये आ गई हमारी LHS हमारी आ गई ab - c², और RHS कौन सी है, RHS ab - c² है। क्वेश्चन नंबर 5 का एग्जांपल नंबर 2 है, a² + b² इन सेकंड ब्रैकेट b² + c² इक्वल टू ab + bc ब्रैकेट स्क्वेयर। तो इसके लिए गिवन a by b इक्वल टू b by c दिया है, मीन्स ये a b c कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, ओके। अगर ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो ये a के इक्वल रहता है, इक्वल टू क्या रहता है, k रहता है, और इसको ही हम b इक्वल टू c के इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। a इक्वल टू b के आता है तो b की वैल्यू अगर हम b की वैल्यू है जो c के मिली है हमें, ये सी के वैल्यू बी की जगह हम पुट कर लेते हैं इस फॉर्मूले में, बी की वैल्यू सी के पुट कर लेते हैं तो हमें सी के स्क्वेयर मिलेगा, ओके, सी के स्क्वेयर मिलता है, मीन्स ए की जो
सी के स्क्वायर वैल्यू और बी की जो सी के जो वैल्यू मिली है हमें, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे, तो देखो b इक्वल टू सी के और a इक्वल टू सी के स्क्वायर, ये वैल्यू हम यहाँ पे LHS में राइट कर लेते हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, ये, ओके, उसको हमने राइट कर लिया। और इसमें a इक्वल टू सी के स्क्वायर और b इक्वल टू सी के, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। देखो स्क्वायर बाद में देते हैं हम, पहले जो वैल्यू है उनकी वो लिख लेते हैं। a की वैल्यू c के स्क्वायर है उसको लिखा, b की वैल्यू c के है वो लिखी, उसके बाद में b की वैल्यू c और c स्क्वायर है उसको लिखा। इसका स्क्वायर दे दिया है हमने, इसका स्क्वायर रह गया है वो दिया, सी का और के स्क्वायर का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा और के स्क्वायर का स्क्वायर के रेस टू 4 आ जाएगा। सी तो के दोनों का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, के का स्क्वायर के स्क्वायर। यहाँ पे सी के दोनों का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, के का स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा, प्लस साइन सी स्क्वायर। अभी देखो इनको ऑब्जर्व करो, इनको ऑब्जर्व करो, इनमें क्या कॉमन दिख रहा है, देखो इसमें सी स्क्वायर है, इसमें सी स्क्वायर है, यहाँ पे के रेस टू 4 है, यहाँ पे के रेस टू 2 है, मीन्स के रेस टू 2 दोनों में कॉमन है, तो सी स्क्वायर के स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया। तो क्या रहेगा इसमें से, सी स्क्वायर के स्क्वायर निकाल लिया तो क्या रह गया, के रेस टू 2 रह गया यहाँ पे, ओके, एक 2 गया और 2 रह गया ना, तो के रेस टू 2 आ गया, प्लस साइन, और यहाँ पे सी स्क्वायर के स्क्वायर गया तो प्लस 1 रह गया, तो प्लस 1 लिखा मैंने, ओके, कुछ नहीं मीन्स 1 रहता है, 1 को मैंने राइट कर लिया। अभी यहाँ पे सी स्क्वायर है मीन्स दोनों में सी स्क्वायर कॉमन है, कॉमन निकाल लिया, के स्क्वायर प्लस 1 रह गया, ये के स्क्वायर रहेगा, इसमें कोई नहीं है तो प्लस 1 रहता है तो 1 लिखा, ओके। अभी ये के स्क्वायर प्लस 1, के स्क्वायर प्लस 1 टर्म 2 टाइम है, वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो के स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि x मल्टीप्लाई x हम x स्क्वायर लिखते हैं, वैसे ही के स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई के स्क्वायर प्लस 1 को हमने के स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर राइट कर लिया, आया समझ में। और यहाँ पे सी स्क्वायर को हमने सी रेज टू 4 फॉर्म में राइट कर लिया और के स्क्वायर एज इट, तो हमें ये लास्ट स्टेप मिल गई। अभी हम RHS को भी सॉल्व करके देख लेते हैं, RHS में भी ये वैल्यू पुट करके देख लेते हैं हमें RHS क्या मिलता है। देखो RHS है हमारा AB प्लस BC, देखो RHS है हमारा AB प्लस BC ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। अभी A की वैल्यू C के स्क्वायर और B की वैल्यू C के यहाँ पे हमने पुट कर ली, B की वैल्यू C के, C की वैल्यू C, ओके, वो पुट कर ली और ब्रैकेट का स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर राइट कर लिया। अभी C का स्क्वायर लेना है, K स्क्वायर का भी स्क्वायर लेना है, C का स्क्वायर C स्क्वायर आ गया, K का स्क्वायर K रेस टू 4 आ गया, ओके, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में C का स्क्वायर C स्क्वायर, K का स्क्वायर K स्क्वायर, प्लस साइन C का स्क्वायर C स्क्वायर, K का स्क्वायर K स्क्वायर और यहाँ पे C का स्क्वायर, ओके, ये राइट कर लिया। भी उसके बाद में देखो इसमें और इसमें ऑब्जर्व करो, दोनों साइड में क्या कॉमन दिख रहा है, सी रेस टू 2 है, सी रेस टू 2, यहाँ पे भी सी रेस टू 2, यहाँ पे भी सी रेस टू 2, मीन्स दोनों साइड में सी रेस टू 4 कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे सी रेस टू 4 राइट कर लिया। देखो सी रेस टू 2, सी रेस टू 2, सी रेस टू सी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर सी रेस टू 4 हो गया ना, तो इस साइड में भी सी रेस टू 4 हो गया और इस साइड में भी सी रेस टू 2 टू टाइम है वो सी रेस टू 4 हो गया, मल्टीप्लीकेशन में है तो वो सी रेस टू 4 हो गया, आया समझ में। देखो जिसकी नीचे मैंने सिंगल लाइन दिखाई है वो सी स्क्वायर है, प्लस साइन के राइट साइड में भी, प्लस साइन के लेफ्ट साइड में भी सी स्क्वायर 2 टाइम है, तो उसको हम सी रेस टू 4 ऐसा लिखते हैं, ओके। अभी इस साइड में केरेस टू 2 है, इस साइड में केरेस टू 2 और केरेस टू 4 है, मीन्स दोनों साइड में सिर्फ केरेस टू 2 ही कॉमन है, मैंने केरेस टू 2 कॉमन निकाल लिया। अभी इस साइड में ये दोनों तो कॉमन में गए, केरेस टू 2 भी कॉमन गया, तो क्या रहेगा, सिर्फ केरेस टू 4 रहेगा, उसको ब्रैकेट में मैंने राइट कर लिया, प्लस साइन दिया, और यहाँ पे केरेस टू 2 कॉमन है, सी रेस टू 4 ये दोनों भी कॉमन में ही है, तो क्या रहेगा, सिर्फ 1, कोई नहीं मीन्स 1 रहेगा, तो यहाँ पे प्लस 1 राइट कर लिया। अभी ये के रेस टू 4 प्लस 1 इसको हम स्क्वायर फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो
के रेस टू टू प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। के स्क्वायर का अगर हमने स्क्वायर लिया के रेस टू फोर मिल जाएगा, और प्लस वन, वन का स्क्वायर तो ऑलवेज वन ही रहता है, तो ये फोर फॉर्म में था उसको हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखा तो हमें के स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्म में मिल गया। अभी देखो ये है हमारी RHS, RHS और LHS सेम मिली है, ये इक्वेशन नंबर टू है हमारा, और LHS जो मिला है वो इक्वेशन नंबर वन है हमारा। देखो हमारा इक्वेशन नंबर वन है और RHS हमारा इक्वेशन नंबर टू है, दोनों क्या है इक्वली ही है, तो ये हो गया प्रूफ। तो हम लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी ब्रैकेट स्क्वायर। नंबर फाइव का एग्जाम्पल नंबर थ्री है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय बी। ये भी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में ही है क्योंकि गिवन हमें क्या दिया है ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी दिया है, ऐसा अगर दिया रहता है तब वो तीनों भी नंबर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में रहते हैं। देखो यहाँ पे LHS और RHS हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमें मिलता है अगर वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो A मिलता है A इक्वल टू बी के, और B मिलता है सी के। ओके तो यहाँ पे ये B इक्वल टू सी के ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो A इक्वल टू सी के इंटू के मीन्स ए इक्वल टू सी के स्क्वायर ये वैल्यू मिलती है, ए इक्वल टू सी के स्क्वायर बी इक्वल टू सी के। तो हमारा LHS जो है वो लिखा हमने LHS लिखा, LHS में ए की जगह सी के स्क्वायर और बी की जगह सी के ये वैल्यू पुट कर दी। देखो बी की जगह सी के और ए की जगह स्क्वायर हमने राइट कर लिया, और यहाँ पे दोनों का इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिया, इसका भी स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर ले लिया हमने, और नीचे भी ए मल्टीप्लाई बाय बी है तो सी के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी के हमने राइट कर लिया। ए की वैल्यू सी के स्क्वायर, बी की वैल्यू सी के, वो राइट कर ली। अभी ये सी का और के स्क्वायर का दोनों का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा और के स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा के रेस टू फोर आ जाएगा, प्लस साइन सी का स्क्वायर सी स्क्वायर के का स्क्वायर के स्क्वायर। ओके और नीचे क्या है ये सभी मल्टीप्लिकेशन में है, सी मल्टीप्लाई बाय सी हम उसको सी स्क्वायर लिखते हैं, के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय के रेस टू थ्री ऐसा लिखते हैं। इन दोनों को ऑब्जर्व कर लो, यहाँ पे भी सी स्क्वायर है, यहाँ पे भी सी स्क्वायर है, यहाँ के रेस टू फोर, यहाँ पे के रेस टू टू, मीन्स के रेस टू टू यहाँ पे भी है, के रेस टू टू यहाँ पे भी है, सी रेस टू टू यहाँ पे है, तो दोनों साइड में से हम सी रेस टू टू के रेस टू टू कॉमन निकाले थे, तो यहाँ पे सी रेस टू टू के रेस टू टू हमने कॉमन निकाल लिया, इसको हम सी स्क्वायर के स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ओके इसमें से सी स्क्वायर के स्क्वायर निकाल लिया तो क्या रह गया के रेस टू टू रह गया, इसमें से सी स्क्वायर के स्क्वायर निकाल लिया तो कोई नहीं मीन्स वन रहता है तो वन यहाँ पे राइट कर लिया मैंने, और नीचे क्या है सी स्क्वायर। अभी देखो के क्यूब इक्वल टू के स्क्वायर इंटू के, के क्यूब को हम के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय के इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो नीचे हमने वही किया इस के क्यूब को के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय के इस फॉर्म में राइट कर लिया। अभी देखो के स्क्वायर के साथ के स्क्वायर, सी स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर कट हो गया तो क्या रह गया के स्क्वायर प्लस वन बाय के, LHS इक्वल टू के स्क्वायर प्लस वन बाय स्क्वायर के, ये इक्वेशन नंबर वन है हमारा। अभी हम RHS A प्लस सी बाय बी ये ले लेते हैं, इसको भी सॉल्व करके इसकी A की और B की वैल्यू यहाँ पे पुट करके क्या आंसर मिलता है वो देख लेते हैं सॉल्व करके। A की वैल्यू है C के स्क्वायर और B की वैल्यू है C के, वो पुट कर ली। ओके इन दोनों में C कॉमन है, C कॉमन निकाल लिया, इसमें से सी कॉमन निकाल लिया तो के स्क्वायर रह गया, के स्क्वायर लिखा, इसमें से सी कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे कोई नहीं है मीन्स वन रहता है तो वन यहाँ पे ले लिया तो क्या मिल गया सी इंटू के स्क्वायर प्लस वन बाय सी के। अभी ऊपर का सी नीचे के सी के साथ कट हो गया, न्यूमरेटर में के स्क्वायर प्लस वन डिनोमीटर में के, मीन्स देखो यहाँ पे के स्क्वायर प्लस वन बाय के स्क्वायर प्लस वन बाय के, LHS इक्वल टू RHS मिल गया, के स्क्वायर प्लस वन बाय के ये स्टेप मिल गई। इसको हम इक्वेशन नंबर टू लेबल करते हैं फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू से हमें ये कंक्लूजन मिला कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है,
मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। इनका मीन प्रोपोर्शनल हमें निकालना है। ये दोनों टर्म का मिडल का जो रहता है वो मीन प्रोपोर्शनल रहता है। इन दोनों का मिडल का हमें निकालना है। तो आंसर में हम लेट द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल यम है ऐसा हम पहले कंसिडर कर लेते हैं। तो x प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बी एम का मीन प्रोपोर्शनल यम हमने कंसिडर कर लिया। तो जो मीन प्रोपोर्शनल रहता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इस फॉर्म में लिखते हैं। इन दोनों का मीन अगर ये रहता है उसका हम स्क्वेयर, उसका स्क्वेयर इस अदर टू जो है उनके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल रहता है। मीन प्रोपोर्शनल जो है वो हमने यम कंसिडर किया है, तो उसका अगर हम स्क्वेयर लेते हैं तो उसका स्क्वेयर किसके इक्वल आता है, अदर जो टू नंबर है उनके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है। अभी देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है उसको हम एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म है और इस स्क्वायर का ही ये एक्सपेंशन फॉर्म है। इस स्क्वायर फॉर्म को हमने एक्सपेंशन फॉर्म में राइट कर लिया। ओके, अभी देखो ये एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई ये कट हो गए, और ये एक्स प्लस वाई जो है ये एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज। तो एम स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये टर्म ये स्टेप हमें मिल गई। अभी हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इसको स्क्वायर रूट में लिखा, इसको भी स्क्वायर रूट में लिखा, इसको भी स्क्वायर रूट में राइट कर लिया। इस स्क्वायर के साथ इसका स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर के साथ ये रूट, इस स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कट हो गया। तो क्या रह गया, एम इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय एक्स वाई। द मेन प्रोपोर्शनल इज एक्स प्लस वाई बाय एक्स वाई। मेन प्रोपोर्शनल हमने यम कंसिडर किया था, वो हमें मिल गया एक्स प्लस वाई बाय एक्स वाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इयत्ता 9वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।